बाकी सबकी प्रैक्टिस देखकर ऐसे ही लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिस। अरे भाई तो आराम से ले लेंगे, वन हैंड ले लेंगे भाई। वसीम भाई से बात प्रैक्टिस करूं भाई, कैसा भाई? वसीम भाई से ना बातचीत हुई तो मालूम पड़ा है तुम्हारा गेम के बारे में, कि तुम लोग कितने घंटे घंटे क्रिकेट खेले हो, तो वो हिसाब से ना भाई तुम ले लेंगे। कोई लोग जुम्मा जुम्मा खेलते नहीं भाई, टीमें भी अच्छी है ना भाई, सब टीमें सब अच्छी है, पर अपना ये है कि अपन जब ग्राउंड में उतरते तब पूरा गेम खेलते भाई। अभी प्रैक्टिस का वैसे भी भाई वक्त नहीं है भाई, बहुत टाइट शेड्यूल है भाई। सब सही है लेकिन ये चिंटू का क्या सीन है भाई? इसका चिंटू का क्या सीन है भाई? बाकी तो सब सही है, खेल रहा है ना अपनी टीम में वो? नहीं खेल तो रहा है लेकिन खेलता है क्या वो इम्पोर्टेंट है ना भाई। भाई बहुत अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है। सलाम अलैकुम नवर भाई, कैसे हो? वो तब बात करता था ना जब जब तब वो बात करता था ना बिग बॉस में भी हम लोग बात क्रिकेट की बहुत डिस्कस करते थे, तब से मेरे को मालूम है अरुण और समर दोनों ही खेलते हैं। हाँ सही है ना भाई, तुम्हारी टीम मजबूत है ना भाई, कैप्टन सही होना चाहिए, उन लोगों को लीडर लेके चलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है खेलने के लिए तो बहुत लोग। भाई भाई मजे करने के, भाई मजे करने को मजे, वो जनता को देखने दोस्त सब देख रहा है उनको मजा भाई। अपुन जीतने जाने वाले में से भाई तुम्हारा है ना, हमेशा तुम जीतने जाते हो, जीत के रहने का है। पब्लिक को मजा ज्यादा कब आएगा? जब जीत के आएंगे तभी आएगा ना, तो वही तो मजा देने का आपको। हाँ तो जीत के ही आने का है, सामने आदमी क्रिकेट तो कोई भी, क्रिकेट तो कोई भी स्पोर्ट चैनल खोलोगे तो कोई ना कोई क्रिकेट आता ही होगा। अरे अपने को मुनव्वर भाई को देखने का, क्रिकेट तो वैसे भी देखते रहते हैं, मुनव्वर भाई आएंगे नजर हमने देखने ही देखते हैं। कैसे मुनव्वर भाई? भाई मैं ठीक हूँ भाई, भाई तुम लोग के लिए तो इधर उधर सब जगह आता हूँ दिखने के लिए। 100% भाई जर्सी एकदम मस्त कलर है, एक नंबर है ब्लू। 11 नंबर का क्या सीन है भाई? 11 नंबर का सीन क्या है वो भी बता दो भाई जरा। 11 नंबर भाई जो है ना वो बहुत ही मैं बोलू ना तो सबसे बहुत ही जान छुड़ाने वाला इजी नंबर है। मेरे को बोला, मैं काम में था शूट में, भाई कौन सा नंबर चाहिए? मैं बोला कोई भी दे दे, 11 दे दे। 11 दे दे सही है। तो मैं तो शूट कर रहा था और नितिन ने, नहीं शूट भी नहीं भाई, मैं शूट में से थका हुआ आया। मेरे को याद है रात को 3:20 को नितिन का कॉल आया, मेरा सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है, मैं 2:30 बजे सोया हूँ, 4 घंटे की नींद मिल रही है, और नितिन का 3:20 को मेरे को कॉल आया। नींद में से उठा, मेरा फोन उठाया, बोले भाई जर्सी का कौन सा नंबर चाहिए? मैं बोला भाई मेरे को मुश्किल से नींद आई थी और तू बोल रहा जर्सी का नंबर दे दो। बोले सॉरी सॉरी, मेरे को भी उसको भी आदत नहीं है ना, कि उसको भी पता है कि भाई भाई सुबह के सिवा। अरे भाई एक 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 इम्पोर्टेंट चीज बोलना है भाई, तुमने ना वो डार्क सर्कल का वो एक छोटा सा क्लिप देखे ना भाई, इतना तड़पा दिए लेना, कम से कम ऑडियो तो ड्रॉप करो, वीडियो बाद में कर देना। भाई मेरा खाली यही है कि मुझे उसके लिए खाली मीटिंग करनी है बस, खाली रिलीज करने के लिए। अब वो करने के लिए 40 दिन से बाहर हूँ भाई, मैं 40 दिन से मेरे को फुर्सत, एक दिन की छुट्टी नहीं ली पिछले 60 दिन। अरे वही करना पड़ा, नहीं भाई गाना वाना सुनने के लिए ऑनलाइन मजा नहीं आता, ऑनलाइन कपड़े नहीं खरीदा कभी यार मीटिंग का। हाँ भाई अभी हमारे बीच में ना जंगर भाई भी और आदिल आया है, वो आपसे बात करना चाहता है। इजहार है, थोड़ा बात कर लो, सलाम दूंगा बाद में कर लेना, जो सवाल है वो कर लो यार। भाई तुम ही सवाल, भाई तुम ही सवाल पूछ के कर दो ना भाई, मेरे को स्पेस में ऐसी घंटा को समझ में आता नहीं है। हाँ ठीक है आदिल, क्या सवाल है पूछ रहे तुम्हारा? सलाम मुनव्वर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? भाई एकदम बढ़िया, मैं क्या बोलूं भाई, इधर का क्या है मुंबई का कुछ शो का अभी? भाई मेरे को फुर्सत मिल जाए तो करूं शो।
और भाई कुछ फैंस ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब अपने मुंबई में जो बैक टू बैक शो हुए ना और डायरेक्ट फिर दुबई में हुआ, तो बहुत लोग अभी तक पेंडिंग में यही सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे दिल्ली हुआ और बैंगलोर हुआ और भी कुछ स्टेट्स है गुजरात, तो डेट्स पूछ रहे थे कि कुछ है क्या फ्यूचर का, पहला भाई के अलावा कुछ किसी को पता नहीं। यस यस, सारी जगह पे शोज होंगे, बट शोज अभी नहीं कर सकता ना बिकॉज मैं वेब शो शूट कर रहा हूँ, दो सीजन शूट हो रहे हैं उसके, प्लस उसके अलावा भी चीजें हैं, तो मैं पहले ये खत्म कर लूँ ना जो काम ले जी, 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 जी भाई ना? तो वो खत्म होगा और ये सारे जो भी शोज प्लान होते हैं वो ऐसे नहीं कि अभी ये हफ्ता फ्री हो तो डाल देते, ऐसे नहीं होता ना, दो तीन महीने एडवांस वो ऑडिटोरियम ये सब बुकिंग करना पड़ता है। अभी तीन महीने बाद का मेरा शेड्यूल आपको पता ही नहीं है या मुझे पता नहीं है वो हिसाब से, और शायद तीन महीने बाद मैं हूँ भी नहीं यहाँ पे, बाहर जा रहे हैं, बाहर के शोज प्लान है, तो अभी बस खाली इंडिया का काम खत्म कर रहे भाई। शायद लग रहा है फरवरी मार्च। और भाई मैं तुमको बोलना चाहूंगा, फर्स्ट कॉपी में तुमने जो स्टोरी शेयर किया है भाई ऐसी करते रहा करो, तो क्या है हमारा भी भाई फर्स्ट कॉपी का भाई, इसके लिए तो बॉम्बे आया हूँ मैं। सही है, तो फिर आप क्रिकेट, फिर क्रिकेट में मैनेज करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें माशाल्लाह एक साथ। नहीं भाई, कल शूट खत्म करके रात में वापस दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, सही है। और सुनाओ भाई तुम्हारी हेल्थ का क्या, ध्यान रखो भाई, थोड़ा सो रहे हो रहे नहीं है कंटिन्यू काम पे काम बैक टू बैक, थोड़ा हेल्थ पे भी फोकस करो। नहीं मिल जाती है नींद, कोई दो तीन दिन में एक बार मिल जाती है नींद, बट अपने लिए शायद वो काफी भी है क्योंकि मेरे को यही आदत थी पहले कि तीन चार घंटा से सोने मिलेगा और फिर चौथे दिन 8-9 घंटा सल्ला और हो जाता है। बाकी सब लोग फुल मजे में है, सब कैसे हो भाई, जनता को बहुत सारा प्यार, और मैं देखता हूँ तुम लोग बहुत क्रेजी क्रेजी एडिट बनाते हो, यही सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कॉपी में जल्दी से रिलीज होता है कि तुम लोग को इतना एडिट बनाने मिले ना, इतना आज की एडिट भाई, तुम एडिट बनाते तो लाइक भी कर दिया करो, देख के चले जाते हो भाई ट्विटर पे, तो भाई ट्विटर पे तो सुनो, ट्विटर पे तो मेरे को लाइक करना समझ में आता नहीं है, बट मैं देखता सारे हूँ भाई। तुम आईजी पे देख के गए मेरी स्टोरी आज, तुम देखे सदाकंद देखे, अच्छा देख के चले गए। आज आज मैं ये सारे भ्रम तोड़ देता हूँ, मेंशंस ऊपर आते हैं, वो मेंशंस पे क्लिक करता हूँ मैं, और वो मेंशंस में भी कैसे देखता हूँ बता, ऐसा 100 मेंशन ना मैं 20 सेकंड में देखता हूँ, कट, तो किसने क्या डाला वो नहीं दिखता। देख लिया करो भाई थोड़ा पॉज ले भाई, ये जो किलर है ना इसको सब पता है, बस वो जानबूझ के पूछ रहा है। नहीं नहीं अभी भाई उसमें ना मेरे को कोई एडिट में रील दिखती है ना तो फिर मैं वो रील पे जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे ना आप लोग रील बनाओ जो भी एडिट्स करते हो, रील बना के रील स्टोरी में मेरे को टैग किया करो, ताकि मैं जब मेंशंस देखूं और मुझे दिखे ना कि ये रील है तो मैं फिर वो रील को ओपन करूं, तो समझ रहे हो भाई। लेकिन तुम ये भरम तोड़ना नहीं चाहता, कितने लोग तो ये भरम में जी रहे कि भाई ने देखी। तो मैंने आज क्या बोला, मेरे को रील में टैग करो, रील डालो और फिर टैग करो, ताकि और भाई ऐसा एडिट होता है तो मैं खुद खोल के देखता हूँ। अब एडिट पहले 2-3 सेकंड ऐसा रहना चाहिए ना भाई क्रेजी के, भाई कुछ तो है मस्त, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, हम लोग क्या मिस कर रहे हैं। नहीं नहीं सभी लोग अच्छा बनाते भाई, सभी लोग अच्छा। सही है। ओ भाई शायरी सुनने का मूड है आज तुम्हारा, करने का है क्या, कुछ लिखे हो क्या नया भाई? शायरी सुननी है तुम्हारे को, मैं ना कल एक काम करता हूँ, कल का दिन जाने दो, परसों रिकॉर्ड करके रील डालता हूँ एक क्रेजी शायरी। डालो भाई, कंटेंट डालते रहो भाई, तभी मजा आती है कंटेंट। फोटो भी डाल देते तो स्टोरी पे तो ना कम से कम 2-3 हजार रील बन जाती एक फोटो पे। अरे मैं 50 बना दू
और मैं ना वो लुक में रहता हूँ, फोटो डालू, लेकिन मैं 40 दिन तक ना वो लुक में ना, और वो लुक को ज्यादा डायरेक्टर लोग बोलते हैं ना रील वील नहीं करने का, तो थोड़ा रहता है वो लुक वुक रिवील नहीं हो जाए, कपड़े रिवील नहीं हो जाए, उसके लिए थोड़ा सिर्फ सेट का डालता था। सुन ये गाड़ी लगा दो, चाबी लेते हुए चले जाओ, वॉलेट वॉलेट अंदर ही है ना सब। हेलो, हाँ तो उस वजह से मैं साइड रेट का फोटो डाल दू। अरे मुनावर भाई, आपने जो लेटेस्ट वीडियो डाला है यूट्यूब पे उर्फी जावेद रोज का, उसने हाँ। तो आग लगा के रखी हुई है, इस तरह का और कंटेंट भी उसी का ना प्रोजेक्ट ऐसे कंटिन्यू करो भाई। वो वीडियो में ना आधा पौना घंटा तो कट गया है, और वो इतना क्रेजी वाला कटा है ना, बट ठीक है यार, वो प्रमोशनल वीडियो था तो इट्स फाइन। बढ़िया कंसेप्ट अच्छा था इस तरह का, ना बहुत अच्छा था भाई, मजा आ गया, कंसेप्ट बहुत अच्छा था। भाई भाई वो जो है ना, वो तुम्हारे पूरे वीडियो हम लोग शूट किया था बट वो रिलीज नहीं किया, बट अभी मुनावर भाई का नेटवर्क ग्लिच है, मैंने नहीं रोक पिलर भाई, उसको आत्मा को माइक दे दो यार, वो बोल रहा है अमन को लिफ्ट में जाके, शायद नेटवर्क इशू है भाई का। अमन भाई का माइक, हाँ देख लो। अरे सच में रिक्वेस्ट, हेलो मुनावर, दूसरी सफेदी चले रमाते कपड़े भी खेल खेल जाए, वॉइस इम्पोर्टेंट है ना, लिफ्ट में ना एलिवेटर पे नहीं आता है नेटवर्क, नहीं आया भाई तो स्पेस गिर जाएगी, नहीं फिर बनेगी भाई। अमन भाई को माइक दे दो यार, आत्मा नाम से। अरे भाई देख रहा हूँ, अच्छा आत्मा नाम से, हाँ मिल रहा हूँ, अमन को नहीं मिल रहा है, हाँ दे दो। मनोहर भाई कहाँ चले गए, आवाज चली गई, नेटवर्क मेरे को लग रहा चले गए। किधर है भाई आत्मा, उसको रिक्वेस्ट करने बोलना, मुझे दिख ही नहीं रहा है। चलो नोटिफिकेशन आया स्पेस गिरने का, अमन भाई रिक्वेस्ट करो। अरे रिक्वेस्ट तो करना, मैं कुछ में दिख ही नहीं रही आत्मा की, एक आदत नहीं है। 30 सेकंड का क्या बोलूं, अमजद को दे दो यार, अमजद स्क्रिप्ट ही, अमजद को दे दो यार, वो भी बोल रहे हैं। अरे ज्यादा नहीं जाएगी मुझे, अब हो मुझे, मैं तुमको रिक्वेस्ट का भेज देता हूँ आदिल, मुझे रिक्वेस्ट ही नहीं दिख रही, मैं क्या करूँ यार, और बातें ना करो मुनावर, कोई बात नहीं। अरे स्पेस गिनने वाला है अभी, मेरे को भी आया, आएंगे भाई। Give me 3-5 minutes. Give me 3 minutes. भाई वो नेटवर्क ही चले गया था, हाँ वो लिफ्ट में जाने की वजह से शायद, हाँ उसका नेटवर्क आया लेकिन आवाज नहीं आई। हाँ क्या क्या बात चल रही थी अपनी, कुछ तो इंटरेस्टिंग। आप अपने सेट के बारे में बता रहे थे, सेट से फोटो नहीं डाल सकते, ड्रेस आउट हो जाएगा, एंड एवरीथिंग। हाँ उसके बाद कुछ बात करो,
अरे वो वीडियो की बात हो रही थी जो अभी रोस्ट नहीं आया आपका। हाँ तो देखो कॉन्सेप्ट तो है दिमाग में बहुत सारे, बट वही उसके लिए टाइम नहीं मिलता। और तुम जो लोग बोल रहे हो कंटेंट डालो भाई, बड़ा कंटेंट बनाने में 40 दिन निकाले ना, तो थोड़ा सबर रखो ना यार, तो मजा आएगा। थोड़ा सबर करोगे तो ही ये सब बड़ा बड़ा काम आएगा। बाकी क्या है, सब चीजें हो सकती है। व्लॉग तो डेली बना के डाल सकता हूँ, लेकिन व्लॉग में जिंदगी गुजारनी है क्या? अरे रोज कोई ना कोई कंटेंट आ जाता है आपका, आपका कहीं ना कहीं अपीयरेंस आ जाता है, किसी जगह पे चले जाते हो, कंटिन्यूअसली वर्क हो रहा है, वो आ जाता है। भाई वो कंटेंट नहीं है, उसको मैं कंटेंट नहीं बोलता। अरे हमारे लिए तो ये है कि मनोहर भाई को देख लिया, आगे बाकी तो वीडियो वगैरह तो आती रहेंगी ना, वेब सीरीज आ रही है, वेब सीरीज पे टाइम तो लगेगा ना। ये तुम्हारी मोहब्बत है कि आपको देखना है, तो इसके लिए अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे रोज कुछ ना कुछ इंशाल्लाह डालते रहूंगा मैं। भाई वो समय वाली वीडियो का बता रहे थे आप, समय के साथ शूट किया था। समय का शूट ये कि हमने किया था, बट वो फिर हमें नहीं डालना है। था बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया था वो। और फिर और एक चीज ये थी कि उसके बाद फिर मेरे मैं बिजी था, फिर अभी एक करने वाले थे बट समय बीमार हो गया। अभी कल ही उसका मेरे को मैसेज आया, उसका नंबर चेंज हुआ तो मेरे को मैसेज किया, तो अभी वो कर रहा है। मेरे को बोला कब कौन सी डेट को तू फ्री है मेरे को बताना, बट अभी मैं देखता हूँ अपना शेड्यूल, वो हिसाब से उसको एक डेट दूंगा। सुनने में आया समय भाई का 19 में हो रहा है दिल्ली में, अगर दिल्ली में हो तो आ जाओ उसी में। 19 को तो मैच देखते ना, पता नहीं अब मेरा क्या सीन है ब्रो, मेरे को नहीं शेड्यूल कर सकता। 19 को मैच है हम लोग का। भाई नीचे से 2-3 लोगों के रिक्वेस्ट आ रखी है आपके लिए। बस भाई मेरे को जाना होगा, मैं अभी जस्ट घर पे पहुंचा हूं, ठीक है? सो नाउ इट्स फैमिली टाइम, स्लीपिंग टाइम, आराम टाइम। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार सबको, और 13 तारीख से अपन क्रिकेट खेलेंगे, बढ़िया मचाएंगे। बाकी सब लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है? और क्रिकेट है, एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट की तरह ही लो, बाकी ना परेशान।